प्रयागराज जनपद में यमुनापार नैनी कोतवाली क्षेत्र के चाका स्थित एक स्कूल पर आज सुबह परीक्षार्थियों ने उस वक्त जोरदार हंगामा किया जब परीक्षा केंद्र पर पहुंचने के बाद परीक्षार्थियों को जानकारी मिली कि पेपर लीक हो गया। इसके बाद आक्रोशित हुए परीक्षार्थी स्कूल पर पेपर लीक कराने का आरोप लगाते हुए नारेबाजी के साथ हंगामा करने लगे। वहीं परीक्षा केंद्र पर हंगामे की सूचना के बाद पुलिस और एसडीएम मौके पर पहुंचे, जिन्होंने आक्रोशित परीक्षार्थी को समझाने बुझाने का काफी प्रयास किया, लेकिन वह लगातार नारेबाजी के साथ हंगामा करते रहे। वहीं स्कूल प्रबंधन से चली कई घंटे वार्ता के बाद भी कोई हल नहीं निकल सका। दरअसल शहर के नैनी कोतवाली क्षेत्र में चाका स्थित एक निजी स्कूल में आज सुबह तमाम परीक्षार्थियों का लाइब्रेरियन म्यूजिक और टीटी आर्ट का पेपर था, जिसके लिए सुबह से ही परीक्षा केंद्र पर परीक्षार्थियों की भीड़ लगनी शुरू हो गई थी। लेकिन इस बीच परीक्षार्थियों को पता चला कि जिस पेपर की वह परीक्षा देने पहुंची है वह तो लीक हो चुका है, जिसके बाद आक्रोशित हुए परीक्षार्थियों ने नारेबाजी करते हुए जोरदार हंगामा शुरू कर दिया। वही प्रदर्शनकारी परीक्षार्थियों का आरोप है कि स्कूल के हर परीक्षा कक्ष में पहले से 10-10 कैंडिडेट की ओएमआर सीट भरी हुई थी। इसके साथ ही कई बार पेपर बांटकर दोबारा वापस ले लिए गए। इसके बाद उन्होंने परीक्षा का विरोध करते हुए नारेबाजी के साथ जमकर हंगामा शुरू कर दिया। इसके साथ ही इस परीक्षा को रद्द करने और दोबारा संपन्न कराने की मांग बुलंद की है। वही मौके पर पहुंचे करछना तहसील के एसडीएम राजेश श्रीवास्तव ने बताया कि परीक्षा केंद्र पर पेपर वितरण में कुछ दिक्कतें हुई हैं, जिसको लेकर परीक्षार्थियों ने हंगामा किया है। इसके बाद परीक्षा रद्द करा दी गई। पेपर लीक हुआ है, सरासर ये लोग झूठ बोल रहे हैं कि पेपर बांटने में गलती हुई, ये हुई वो हुई, कुल मिला के पेपर लीक हुआ है और लीक पेपर दे दिया जब पहले से ओएमआर भरी हुई, तो कॉमन सेंस की बात है कि वो पहले से दिया गया है किसी को और फिर हम लोगों को बट गई, फिर वापस ले रहे हैं, फिर दे रहे हैं, तीन बार ऐसे करके पेपर ले लिया, फिर 10 बजे के बाद कह रहे हैं कि फिर से आप लोग का पेपर होगा, ऐसे होता है। हम लोग री एग्जाम के लिए मांग कर रहे हैं। सर मामला ये है कि आज हम लोगों का आर्ट और म्यूजिक और लाइब्रेरियन का यहाँ पे पेपर था, हमारा सब्जेक्ट आर्ट था ड्राइंग, एमआरएस के थ्रू यह एग्जाम कराया गया था, तो हम लोग का जो ओएमआर सीट और बुकलेट जो सीट दी गई थी उस पर मतलब कि क्यूआर मतलब जो कोड होता है उन लोग का पहले से भरा हुआ था, उस पर रोल नंबर भी फिल हुआ था, तो सर जो हम लोग को दिया गया था उस पर हम लोग का सब्जेक्ट नहीं था, तो वो लोग बिना ओपन किए बुकलेट को फिल करवा दिए, जो कि उनका भी फिल हो गया और जो हम लोग को दिया गया था पहले से भरा हुआ मिला, तो सर हम लोग का एग्जाम भी नहीं दिया गया कोई भी, सब एक रूम से कम 10 लोगों का ओएमआर सीट भरी हुई मिली है सर, ऐसे ही सारे रूम से भी सारे लोगों को ऐसे ही इस तरीके से मिला हुआ है, फ्री मिला हुआ। सर हमारी मांग है कि यह ऑल इंडिया लेवल पे सर इस एग्जाम को कैंसिल किया जाए, सारे जहाँ जहाँ भी एमआरएस के सेंटर है ना इसको कैंसिल किया जाए सर, यह ओएमआर सीट पहले से फिल हुई है तो हम लोग कैसे मान सकते हैं सर। जो जहाँ परीक्षा जो होनी थी फर्स्ट मीटिंग की, जिसमें सीबीएसई बोर्ड की परीक्षा रही, उसमें पेपर डिस्ट्रीब्यूशन में कुछ दिक्कतें आई थी जिसके कारण जो है परीक्षा निरस्त करना पड़ा, और बच्चे इसलिए जो है परेशान थे, बच्चों को आश्वासन दे दिया गया है कि पुनः परीक्षा हो जाएगी,